और अब तक आपने लोगों को कांच खाते या पत्थर निगलते देखा होगा, लेकिन आज हम आपको मिलवाएंगे कि ऐसे बुजुर्ग से जो मिट्टी खाकर पेट पूजा करते हैं। ये बुजुर्ग पिछले कई सालों से खाना नहीं बल्कि मिट्टी खाकर अपनी भूख मिटा रहे हैं। यकीन नहीं होता ना, ये देखिए। वो मिट्टी को खाता है खाने की तरह, वो मिट्टी से करता है पेट पूजा। वो 110 साल से खा रहा है मिट्टी। अब तक आपने शीशा और पत्थर खाने वाले देखे होंगे, लेकिन ये है मिट्टी खाने के शौकीन, जो न जाने कितनी मिट्टी अब तक खपत कर चुके हैं। जी हाँ, ये हैं बिहार के बाबूपुर गांव के रहने वाले बुजुर्ग कारू पासवान। इनकी उम्र भले ही 110 साल है, लेकिन ये पिछले 110 साल से मिट्टी खाकर ही जिंदा है और इतने चुस्त दुरुस्त है। इन्हें मिट्टी खाकर भूख मिटाने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आती। अगर यकीन नहीं आता तो फिर देखिए कारू पासवान को, जिन्हें इस अजीब सी आदत में महारत हासिल है। बसते गए काम नाकी वाला, यहाँ में क्रिया संघात हाय हाउ बहुत, लेकिन ना छूटल हमारा। एक छोटे से गांव की ये बुजुर्ग अपनी इस आदत की वजह से पूरे इलाके में मशहूर हो चुके हैं और रोजाना ऐसे ही मिट्टी खाकर अपनी पेट पूजा करते हैं। एक दो प्लेट मिट्टी से तो इनका जी नहीं भरता, कम से कम 1 से 1.5 किलो मिट्टी खाकर ही इनके भूख की खाना पूर्ति होती है। हालांकि 1 किलो मिट्टी ये रोजाना बड़ी आसानी से हजम कर जाते हैं और इनके इस शौक से पड़ोसी भी हैरान है। बहुत तजुर्बा की बात है, जो कि मिट्टी खा के भी ये जो है अभी अमर के रूप में चल रहे हैं, नहीं कभी बीमार पड़े, नहीं कभी डॉक्टर के हाथ में गए, नहीं किसी के पास में गए, अभी जो है ये सही है। हालांकि कारू के शौक के बारे में जिले के सर्जन हैरान है और उन्होंने कारू की शारीरिक जांच कराने की सलाह दी है। भोजन के रूप में मिट्टी खाया तो उस पर शरीर पर प्रतिकूल असर पड़ना ही चाहिए। साइंस, मेडिकल साइंस तो मिट्टी हमारे शरीर में जब होता है ऐसा नहीं करता है और इससे दुष्प्रभाव तो पड़ना ही चाहिए। इनका किडनी पर, लीवर पर या गट में भी, हार्ट में भी प्रभाव दिखना चाहिए। हालांकि इस बुजुर्ग को कई लोगों ने मिट्टी खाने की आदत छोड़ने की सलाह दी, कई बार लोगों ने समझाया भी, लेकिन उन्हें तसल्ली मिट्टी खाकर ही मिलती है, जो कि इनके स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है। इस समय साहिबगंज से प्रवीण कुमार।